खबर शामिल करें। आपको बताएं, हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की 16वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब में जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद की गई है, जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद है। इस मौका पर मेहमान खसूसी ने ग्रेजुएट होने वाले तलबा और तालिबात में डिग्री और इनामात तकसीम किए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान प्राचा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर हमदर्द यूनिवर्सिटी की 16वीं कन्वोकेशन की तकरीब मुनक्कद की गई थी, जिसमें मेहमान खुसूसी चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब थे। और यहाँ पर शुरका में तलबा व तलबात में डिग्रियाँ तकसीम की गई हैं। आइए यहाँ पर मौजूद तलबा व तलबात से बात करते हैं कि वो आज इस तकरीब के मौके पर क्या कहना चाहेंगे। एंड आई गॉट MPhil फार्मेसी प्रैक्टिस डिग्री फ्राम हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, एंड वी आर स्ट्रगलिंग फ्राम ऑलमोस्ट 16 ईयर्स फॉर दिस डिग्री, first bachelor's and then MPhil. Success and it is important in your life and it is the best year you ever had. जो हमें डिग्री मिल गई है आखिरकार, और हम बहुत खुश हैं। और ये सब ये डिग्री जो है अपने वालिदैन की दुआएं है और असातिज़ा की मेहनत थी इसमें, और इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे पाकिस्तान को सर करें इंशाल्लाह। मेरा नाम हाफिज़ा हफ्सा शफीक है और मैं 2019 के बैच की ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री मतलब ली है, और बस यही कहूँगी कि आज मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि जो मैंने अपने लिए प्रोफेशन चूज़ किया वो बहुत ही मतलब बेस्ट है। मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ा है, 2016 से 2021 की बैच है, और डिग्री हमें माशाल्लाह से 2 साल बाद मिली है। कॉन्वोकेशन हमारी हुई है और हम बहुत खुश हैं। बेसिकली वैसे मैं फार्मासिस्ट काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे डिग्री आज मिली है और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छी पढ़ाई है और हम लोगों का जो है सारा सिलेबस जिस तरीके से कवर किया गया, हमारे टीचर्स, देयर परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल, सो दैट्स व्हाई आर परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल। थैंक्स टू आर टीचर्स एंड स्पेशली टू माई पेरेंट्स, जिनकी सारी मेहनत तो उनकी है मेरे साथ शुरू से। थैंक यू। यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का ये 16वां डिग्री अवार्डिंग सेरेमनी जो है, यानी जब से ये कोरोना आया 2020 के बाद ये फर्स्ट टाइम हो रही है। ये आज 988 स्टूडेंट्स को PhD, MPhil और MS के डिग्रीज अवार्ड की गई हैं। इस जिन्होंने ये डिग्रीज ली हैं, जिन्होंने अपना अपना तालीम का एक मरहला कंप्लीट किया है, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, फरमान के मुताबिक माँ की गोद से कब्र तक तालीम जारी रहनी चाहिए। तो लिहाजा इन तमाम बच्चों के लिए मेरी यही ख्वाहिश भी है और इनको ये मेरी पैगाम भी इनके लिए ये है कि अपनी तालीम को कभी ना रुकने देना।